हेलो स्टूडेंट्स मैं सुबोध कुमार और आज मैं आपको फ्लूड मैकेनिक्स में आ, कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ़्लो ठीक है तो टाइप्स ऑफ फ़्लो में हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ़्लो पढ़े थे ठीक है अब हम ये टाइप्स ऑफ फ्लो का पार्ट टू है जिसमें हम रिमेनिंग पार्ट रिमेनिंग टाइप्स ऑफ फ्लो को हम पढ़ेंगे फ्लूड के फ़्लो को ठीक है कि कौन कौन से फ़्लो होते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ठीक है यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कौन से होते हैं ठीक है तो जैसे कि मैं बताऊं तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है यूनिफॉर्म फ़्लो इज डिफाइंड एज दट दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डू नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस ठीक है मीन्स ये कह रहे हैं कि वैलोसिटी एक गिवन टाइम पर ठीक है विद रेस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होगी मीन्स वेलोसिटी क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी वो बद वो बदलेगी नहीं चेंज नहीं होगी ठीक है तो वो कांस्टेंट होगी वेलोसिटी इस कंडीशन में यूनिफॉर्म फ्लो में मगर वो किसके लिए एक गिविन टाइम के लिए एक टाइम गिविन होगा उस टाइम के लिए उस टाइम के बाद में भी बदल भी सकती है मगर एक गिविन टाइम के लिए सपोज़ वन आवर दे दिया ठीक है एक घंटा दे दिया एक गिविन टाइम है फिक्स्ड टाइम है ठीक है इस इस टाइम ड्यूरेशन में ये वेलोसिटी जो है चेंज नहीं होगी ये जो है कांस्टेंट रहेगी ठीक है तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा उस फ्लो को हम क्या बोलते हैं उस फ्लो को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो ठीक है एक वेलोसिटी है वो गिव टाइम के लिए एक फिक्स टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगी विद रेस्पेक्ट टू स्पेस अब स्पेस क्या है स्पेस वो है जिसमें फ्लूड फ्लो कर रहा है ठीक है सपोज ये पाइप है इसमें अगर फ्लूड फ्लो कर रहा है ठीक है इधर से इन कर रहा है इधर से आउट हो रहा है फ्लूड तो ये जो होगा इसका स्पेस इस हो जाएगा ठीक है तो स्पेस क्या है लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो जिस डायरेक्शन में फ्लूड uh, फ्लो कर रहा है उसकी लेंथ ठीक है तो जैसे कि इस पाइप में अगर फ्लूड फ्लो कर रहा है तो इस पाइप की लेंथ क्या हो जाएगी स्पेस हो जाएगी ठीक है और अगर ओपन चैनल में फ्लूड फ्लो कर रहा है ठीक है जैसे कि नाला वगैरह तो उसकी लेंथ जो हो जाएगा वो स्पेस हो जाएगा ठीक है तो क्या हो गया यूनिफॉर्म फ़्लो कौन सा फ्लो होगा जिसमें वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंट रहेगी एक गिविन टाइम के लिए गिविन टाइम के लिए विद रिस्पेक्ट टू स्पेस ठीक है मीन्स पूरे पाइप में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी एक ही वेलोसिटी से फ्लूड हमारा फ्लो करेगा ठीक है जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है हमारी ठीक है वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है तो हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे <coughs> तो क्या हो जाएगा वी uh, का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे विद रेस्पेक्ट टू हम स्पेस करेंगे ठीक है स्पेस मीन्स जो लेंथ है उस पाइप की उसके रेस्पेक्ट में तो uh, ये डी वी ओवर डी स्पेस को हम एस से डिनोट कर दे रहे हैं ठीक है और कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस क्या होगा हमारा जीरो के उपल हो जाएगा ओके तो इस इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म फ़िलो बोलते हैं ठीक है वहीं अगर मैं बात करूं कोई नॉन यूनिफॉर्म फ़िलो कौन से होते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वो फिलो होते हैं जिसमें विद रिस्पेक्ट टू स्पेस ठीक है जैसे कि ये कोई स्पेस है पाइप है ठीक है जिसकी लेंथ एल है ठीक है इसमें कोई फ्लूड फ्लो कर रहा है और उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है ठीक है सपोज कि एट एनी गिवन टाइम एक वन आवर का गिवन टाइम दे दिया है ठीक है तो उस 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 गिवन टाइम में अगर वेलोसिटी सेम नहीं है सपोज ए, स्टार्टिंग के 10 मिनट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड रही फिर आगे 10 मिनट बाद फिर से वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई फिर चेंज हो गई फिर चेंज हो गई मींस एक गिवन टाइम में वेलोसिटी उसमें फिक्स uh, नहीं है कांस्टेंट नहीं है ठीक है तो उस टाइप के फ्लो को, फिलो को uh, हम क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ़िलो बोलते हैं मीन्स फाइनली मैं इसमें यह बताना चाहूँगा नॉन यूनिफॉर्म फ़िलो वो फ्लो होते हैं जिसमें वैलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं होती है ठीक है ये नॉन इक्वल्स टू का साइन है कांस्टेंट नहीं होती है विद रेस्पेक्ट टू स्पेस ठीक है एट ए गिवन टाइम तो हम इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ठीक है ये dv का विद रेस्पेक्ट टू स्पेस करेंगे तो डेल वी ओवर डेल एस कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा ठीक है मीन्स द डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू एस इज़ नॉट इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ठीक है इन नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ठीक है तो आपको आई थिंक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म समझ में आया होगा फ्लो ठीक है अब हम बात करते हैं लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो की ठीक है लेमिनार फ्लो कौन से होते हैं और टर्बुलेंट फ्लो कौन से होते हैं ठीक है तो लेमिनार फ्लो वो फ्लो होते हैं जिसमें फ्लूड के पार्टिकल्स हमारे सपोज ये कोई पाइप है ठीक है फ्लूड के पार्टिकल्स हमारे एक वेल डिफाइंड पाथ में एक स्ट्रीम एक लाइन में फ्लो करते हैं ठीक है अब वो स्ट्रीम लाइन कैसी होती है स्ट्रेट होती है ठीक है सपोज ये फ्लुड है कोई सपोज वाटर ही है ठीक है तो उसके पार्टिकल्स जो होंगे एक स्ट्रीम लाइन में फ्लो करेंगे ठीक है ये कोई सपोज स्ट्रीम लाइन है स्ट्रीम लाइन मतलब एक जैसे कि फ्लूड की कोई धारा है जैसे लिक्विड जैसे कि वाटर है उसकी कोई धारा निकलती हुई जा रही है तो वो एक उसकी स्ट्रीम लाइन है ठीक है तो फ्लूड के पार्टिकल एक स्ट्रीम लाइन में फ्लो करेंगे ठीक है वो स्ट्रीम लाइन कैसी होगी स्ट्रेट होगी कि इसमें लेमिनार फ्लो में ठीक है तो ये कोई फ्लूड की धारा है और फ्लूड लेयर वाइज लेयर मूव करता है ठीक है फ्लूड जो मूव करता है उसमें बहुत सारे लेयर रहते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है वो लेयर एक दूसरे के पैरेले होते हैं ठीक है और स्ट्रेटली मूव कर रहे होते हैं एक डिसेंट वे में ठीक है तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं लेमिनार फ्लो बोलते हैं ठीक है मीन्स फ्लूड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक <coughs> एक वेल डिफाइंड पाथ में मूव कर रहे हैं एक स्ट्रीम लाइन में जो कि क्या है स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट है और वो एक दूसरे के पैरल हैं ठीक है कुछ इस तरीके से ठीक है तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं लेमिनार फ्लो बोलते हैं या फिर जो है लेमिनार फ्लो बोलते हैं या फिर हम इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोलते हैं और विस्कस फ्लो भी बोलते हैं इस टाइप के फ़्लो को ठीक है और वहीं अगर मैं बात करूं एक होता है टर्बुलेंट फ्लो ठीक है तो टर्बुलेंट फ्लो कौन से होते हैं टर्बुलेंट फ्लो वो फ्लो होते हैं जैसे कि ये सपोज पाइप है ठीक है अब इस पाइप में ये अभी जो हमने लेमिनार फ्लो की बात करी उसमें क्या था फ्लूड एकदम डिसेंटली वे में एक स्ट्रेट स्ट्रीम लाइन में मूव कर रहा था ठीक है जिसमें जो फ्लूड की जो लेयर थी एक दूसरे के पैरेलल थी ठीक है तो इसको हमने आ, आ, कौन सा फ्लो कहा था इसको हमने कहा था लेमिनार फ्लो अब कहीं ट्रांजिशन टर्बुलेंट फ्लो की अगर मैं बात करूं तो टर्बुलेंट फ़्लो में क्या होगा सपोज़ ये पाइप होगा तो इसमें फ्लूड जो होगा एक डिशेंट वे में फ्लो नहीं करेगा एक स्ट्रेट स्ट्रीम लाइन में फ़्लो नहीं करेंगे फ्लूड के पार्टिकल्स वो जिग जैक मैनर में फ़्लो करेंगे कुछ इस कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे इस तरीके से जिग जैक मैनर में फ़्लो करेंगे फ्लूड के पार्टिकल्स किसी एक स्ट्रेट पाथ में फ़्लो नहीं करेंगे ठीक है किसी एक स्ट्री स्ट्रेट स्ट्रीम लाइन में फ़्लो नहीं करेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों ने झरना देखा होगा ठीक है झरने से जो पानी गिरता है नीचे तो वो एक डिसेंट वे में नहीं होता है कि स्ट्रेट स्ट्रीम लाइन में नहीं होता है वो जेग जेक मैनर में उसका जो वाटर होता है वो फ्लो कर रहा होता है तो वो जो फ्लो है झरने का जो पानी गिर रहा है वो कौन सा फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो है आपका ठीक है अगर हम मैथमेटिकली इसको देखें टर्बुलेंट फ्लो को एंड लेमनार फ्लो को तो एक नंबर होता है ठीक है नॉन डायमेंशनल नंबर होता है इसको हम रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं जो कि होता है वी डी अपॉन न्यू ठीक है यहाँ पे डी क्या है अगर डी डी क्या है डायमीटर ऑफ पाइप है ठीक है अगर जिस पाइप में हमारा जो है वाटर या कोई फ्लूड फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर है ठीक है ये है डी और वी क्या है मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लूड फ्लो जिस वेलोसिटी से फ्लूड फ्लो कर रहा है वो उसकी वेलोसिटी होगी और न्यू क्या है कैनमेटिक विस्कोसिटी ठीक है अब कैनमेटिक जिस विस्कोसिटी जैसे कि हम सब लोग लो जानते हैं क्या होता है म्यू अपॉन रो होता है म्यू क्या होता है डायनेमिक विस्कोसिटी होती है रो क्या होता है रो हमारा डेंसिटी होती है ठीक है तो हम कैन अगर रेनोल नंबर हमारा क्या होता है वी डी अपॉन म्यू वी डी अपॉन म्यू ठीक है और वी डी अपॉन म्यू को हम ऐसे भी ले सकते हैं वी डी अपॉन और म्यू क्या है म्यू क्या सॉरी uh, म्यू नहीं न्यू है ये ठीक है ये न्यू है और ये म्यू है ठीक है तो न्यू को हम कैसे लिख सकते हैं न्यू को हम लिख सकते हैं म्यू अपॉन रो और अपॉन में रो रहेगा तो जो ऊपर आ जाएगा तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं रो वी डी अपॉन म्यू ठीक है Mu, ये क्या है हमारा रेनॉल्ड नंबर है कौन सा रेनॉल्ड नंबर है ठीक है अब इन सारे फ़्लो का हम पता लगा सकते हैं रेनोल नंबर की हेल्प से भी ठीक है अगर जैसे कि अब रेनोल नंबर हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं अगर हमें जो जिस पाइप में हमारा फ्लूड फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर अगर पता हो हमें ठीक है उस फ्लूड की वैलोसिटी अगर पता हो और उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी पता हो तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं रेनोल नंबर को और इस रेनोल नंबर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फ्लो किस टाइप का है ठीक है अगर रेनोल नंबर अगर हमारा हमारा लेस देन दो हज़ार आता है टू आता है तो उस, उस फ्लो को हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं ठीक है सपोज ये पाइप है इसमें स्ट्रेट स्टीम लाइन में फ्लूड फ्लो कर रहा होगा ठीक है तो ये कौन सा होगा हमारा लेमिनार फ्लो होगा ठीक है और इसमें रेडरॉल नंबर हमारा लेस देन टू होगा ठीक है और वहीं अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात करूँ ठीक है तो सपोज ये पाइप है तो टर्बुलेंट फ्लो कौन सा फ़्लो होता है जिसमें फ्लूड जो है हमारा जैसे इधर से ये फ्लूड आ रहा है अगर तो ये जो जो है जिग जिगजैक मैनर में फ़्लो करता है जैसे कि झरने का फलूड होता है जैसे झरने का वाटर होता है उस टाइप में ठीक है तो अगर रिनोल नंबर रिनोल नंबर चार हज़ार से ज़्यादा होता है फोर थाउजेंड से ज़्यादा होता है तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं ठीक है कैलकुलेशन करने के बाद अगर हमारा रिनोल नंबर फोर थाउजेंड से ज़्यादा आ जाता है तो हमारा टर्बुलेंट फ्लो होगा ठीक है अगर दो हज़ार से कम है तो लेमिनार फ्लो और दो और अगर चार से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो ठीक है तो एक रेंज होगी जो कि हमारा रेंजो नंबर दो से तो ज़्यादा होगा चार हज़ार से कम होगा तो उस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो अब ट्रांजिशन फ्लो में क्या होगा जैसे कि हमें टर्बुलेंट फ्लो में, में क्या हो रहा था लेमिनार फ्लो में क्या हो रहा था लेमिनार फ्लो में हमारा जो फ्लूड था एक स्ट्रेट स्ट्रीम लाइन में फ्लूड फ्लो कर रहा था ठीक है जिसमें जो फ्लूड के लेट थे एक दूसरे के पैरल थे ठीक है और टर्बुलेंट में क्या हो रहा था जो फ्लूड के पार्टिकल्स थे तो वो थे जिग जैक मैनर में फ्लो कर रहे थे जैसे कि जो जैसे कि झरने का पानी होता है ठीक है उसमें और ट्रांजिशन फ़्लो कौन सा फ़्लो होगा ट्रांजिशन फ्लो जिसका रेंडोल नंबर 2000 से तो ज़्यादा होगा मगर तो 4000 से कम होगा और इसमें जो फ्लूड के पार्टिकल्स होंगे एक वेवी फॉर्म में एक वेव के फॉर्म में फ्लो करेंगे ठीक है मीन्स ना तो वो स्ट्रेट होंगे और ना ही जिग जैग मैनर में फ़्लो करेंगे वो जस्ट एक वेव के फॉर्म में होंगे ठीक है सपोज ये कोई पाइप है तो फ्लूड के जो पार्टिकल्स होंगे एक वेव के फॉर्म में फ्लो करते हुए निकल जाएंगे ठीक है तो इस टाइप के फ्लो को हम बोलेंगे ट्रांजिशन फ्लो ओके आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू